आखिरी तीन सवाल, एक बुनियादी सवाल, सब लोगों का मानना है, हम जब भी विशेषज्ञों से बात करते हैं, स्मॉल कैप के अंदर बबल है नहीं तो ट्रबल है, बबल है तो ट्रबल है, अच्छा बबल है या ट्रबल है। हाँ। अब क्या इस समय, क्योंकि लोगों ने जम करके पैसा बनाया है स्मॉल एंड मिड कैप में, 15-20% मुनाफा वसूली करके या तो कैश निकाल लें या फिर लार्ज कैप में चले जाएं। हाँ, मतलब यू कैन बुक प्रॉफिट्स इन योर स्टॉक्स व्हिच हैव डन वेरी वेल, और थोड़ा सा प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब अनरियल है। तो अनरियल में तो मतलब भाई बाजार देखता है मौका, आपको आप सप्लाई करो, जो आपसे भी बड़े ऑप्टिमिस्ट लोग हैं जो आपसे खरीदना चाहते हैं उनको दे, एंड यू लुक फॉर अदर काउंटर्स। बिकॉज एक बात मैं जो आपको पहले बोला था कि मतलब स्मॉल कैप में वैरायटी बहुत है, हजारों शेयर है, तो आपको मतलब वहाँ पर बहुत महंगे मिलेंगे, महंगे भी मिलेंगे और बहुत सस्ते भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल कैप बेच के आपको लार्ज कैप जो समझ में नहीं आता है, अथा मतलब हाथी लोग को, मतलब भाई छोटा आदमी है उसको समझ में आता छोटी कंपनी, तो उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको बड़ी कंपनी जाके अपना माथा खराब करे। तो इस मार्केट के अंदर जो हम हिंदी में विषय बोलते हैं, सस्ता सुंदर और टिकाऊ है? सस्ता सुंदर टिकाऊ है इंडेक्स, यानी निफ्टी, निफ्टी और S&P 500। आई वुड रादर प्रिफर S&P 500 ETF, क्योंकि S&P 500 में आपको सब मसाला मिलता है आपको। यदि मान लो कल जाके कोई खुदा ना खास्ता FIs पागल हो जाते हैं इंडिया के ऊपर और वो खरीदते हैं पागल की तरह, तो लार्ज कैप चलेगा, उनके बस की बात ही नहीं। मतलब आपको 50-100 बिलियन डालना है इंडिया के अंदर, जो एक मौका आ सकता है मई के बाद जो है ना, यदि अपना GDP एक्चुअली 7-7.5% हुआ, 24-25, इट इज़ नॉट देयर इन द प्राइस। RBI गवर्नर ने बोला है लेकिन नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। यदि एक्चुअली पोस्ट इलेक्शन से मतलब आपका स्टेबलाइज्ड अच्छे से इलेक्शन निकल जाए और उसके बाद 7-7.5% का GDP का आउटलुक रहे और अर्निंग्स ग्रोथ वैसे 15-17% का रहे, इट इज़ नॉट देयर इन द प्राइस, तो क्या वो बहुत ज़ोर से पैसा आएगा? तो लार्ज कैप चलेगा। जब लार्ज कैप चलेगा तो लॉट ऑफ दिस स्पेकुलेटर्स दे विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स लार्ज कैप। एक तो लिक्विडिटी बहुत ईजी है, स्मॉल कैप में तो क्या लिक्विडिटी कम है बट एक्शन बहुत होता है। स्मॉल कैप राइजेज इन ऑर्डरली फैशन, सॉरी लार्ज कैप राइजेज इन ऑर्डरली फैशन, स्मॉल कैप राइजेज एंड फॉल्स इन डिसऑर्डरली फैशन। मतलब 15 ऊपर 15 नीचे, यू नो वेर इज आपका SBI वगैरह में ऐसा नहीं होता है, 1-2% प्लस माइनस, फिर धीरे धीरे करेक्शन होगा इस टाइप का, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो एक्चुअली इन्वेस्टिंग इज इन लार्ज कैप इन ऑर्डरली फैशन, बट इफ यू अहेड द क्राउड, यू नो द स्टोरी वेरी वेल, यू कैन रियली फिगर आउट दिस कंपनी इज अंडर वैल्यूड, सब स्टोरी स्मॉल कैप चालू होती है। जी जी। तो आखिरी सवाल, आप हमेशा बोलते हैं कि भाई मीन रिवर्जन इज द बिगेस्ट रिजम ऑफ कैपिटल मार्केट, दर्शकों को बता दो मीन रिवर्जन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस क्या है, कहाँ पर शेयर लॉन्ग टर्म एवरेजेस से बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर शेयर लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे। जब PSU स्टॉक्स कोविड में लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे थे, मगर कई शेयर जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर हैं, तो ये आपको मीन रिवर्जन कहाँ पर होता दिखता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे? वो तो समय बताया, देखिए मिड कैप इन रिलेशन टू लार्ज कैप इज एक्सपेंसिव, मिड एंड स्मॉल आर एक्सपेंसिव, इफ यू डू द रेशियो इट इज ऑल टाइम हाई, कैन इट गो लिटिल हायर, ऑब्वियसली इट कैन गो लिटिल हायर, बट दिस रेशियो विल करेक्ट। नाउ देयर आर टू वेज टू करेक्ट द रेशियो, एक्चुअली मिड कैप फॉल्स और लार्ज कैप गोज अप। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं लार्ज कैप ऊपर जाने के बाद क्यों इसी उम्मीद में दुनिया जीती हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने।